मौसम खराब है। आपसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर ही बैठे रहें, सुरक्षित दल को बांध लें, स्वच्छ सदन कक्ष का प्रयोग ना करें। धन्यवाद। ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ एयरपोर्ट है। बहुत सही है, बहुत सही। थोड़ा सा वही टर्बुलेंस था, लेकिन मौसम खराब के कारण पहले ही उन्होंने बता दिया था। तो हे गाइस, कैसे आप लोग, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राजीव आर्या और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल आर्य। तो इस वक्त मैं हूँ भाई गुवाहाटी एयरपोर्ट में और बहुत ही मतलब मजबूरी क्या मतलब लास्ट टाइम तक मैं नहीं आने वाला था क्योंकि मेरा फ्लाइट उधर था। मैं सोच रहा था कि बस का कवर करूँगा क्योंकि गुवाहाटी से लेके शिलोंग का जो डिस्टेंस है ना 100 किलोमीटर का है। तो सोचा कि बस से कवर कर लूँगा और आपको उसका जर्नी दिखा दूँगा। उधर से फिर फ्लाइट का है, उधर से फ्लाइट से आऊँगा फिर उसका जर्नी दिखा दूँगा। लेकिन मुझे मजबूरन इतना लूट मचा रहे, उसको बस हमारी मतलब ऑनलाइन शो कर ही नहीं रहा, ऊपर से फुल बुक, पता नहीं चला, कह रहे हैं कि फुल बुक है। एंड दूसरी बात बताएं कि मतलब मेघालय या असम वाले को, दोनों स्टेट को कम से कम शिलोंग के लिए अच्छी खासी बस चलानी चाहिए। उसके बाद सीधे 2 बजे है, रेड बस पे भी ऑनलाइन एक ही बस दिखा रहा है। प्राइवेट वाले पूरे मजे मार रहे हैं 700-800 के टिकट लेके। और उसके बाद मतलब टैक्सी वाले भी इतने ज़्यादा रेट मांग रहे हैं ना, 500-550। ये क्या रेट होता है भाई 100 किलोमीटर के लिए सोमो ये मांग रही है। और कोई कोई 350-400 पे भी आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप कभी भी अगर आपको शिलोंग जाना है तो एक और फ्लाइट चेक कर लें। 9:30 बजे की फ़्लाइट है, आप उसमें टिकट ले सकते हैं क्योंकि कभी कभी थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन अभी मुझे, मैंने देखा, एक बार सोचा कि सर्च कर लेते हैं क्योंकि मैंने पहले से उसी फ्लाइट का उधर से वापसी का कटाया था, ठीक है। तो देखा तो 400 का था भाई, और 400 का मैंने टिकट लिया। मेरे दोस्त सूरज को मैंने कहा कि भाई काट लो, उसने टिकट काटा है। एक बार तो मतलब प्रोसेसिंग में रह गया, दूसरा बार भी काटा, तो दूसरा बार काटा है तो कटा है। फिर मतलब चलते चलते में मैंने बस पकड़ा है क्योंकि यार रैपिडो वाले जो है ना, रैपिडो वाले 450 रुपये सिर्फ एयरपोर्ट के। एयरपोर्ट नाम सुनते ही भाई ना लगता है कि क्या ही किसी तरह लपेट लूँ बोल के, मतलब गजब कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बस से आया, बस एसी था और 100 रुपये लिया, ठीक है कोई नहीं। अभी अंदर चेक इन कर गए हैं और जांच वाँच हो गई है मेरी बैग की, सारा कुछ हो गया है, सारा स्कैनिंग हो गया। बस गेट खुलने का टाइम है और गेट बोर्डिंग टाइम जो होगा स्टार्ट होगा 9 बजे का टाइम है। अभी हम लगभग 8:45 हो रहा है, 9 बजे गेट खुलेगा, फिर चलते हैं अंदर। अंदर का आगे जो भी होगा वो बताएंगे, दिखाएंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बताएंगे, कैसे बुकिंग करना है वो भी बताएंगे, रूट क्या है, व्यू क्या है, वो सब कुछ दिखाएंगे भाई। पहुंच चुके हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट और भाई बहुत जल्दी में, देखो पूरा कहानी भाई बताएंगे हम, आगे बताएंगे। पहले मेरी फ़्लाइट जो है भाई 9:30 बजे, एंड सबसे पहले हमको अपने काउंटर पर जाना है। एयरलाइंस, देखो एयर होस्टेज कितनी हॉट है भाई। वही काउंटर पे बात की है कि मेरा इस साइड है, देखो यहाँ पे एयरलाइंस है, एयर है और एयर इंडिया का इधर ही काउंटर है। अब इधर जाके हम बात कर सकते हैं, बाकी मेरे पास टिकट है तो मैं इन साइड जा सकता हूँ। तो यहाँ चेक इन कराना भाई हमें, भाई साहब गेट नंबर 2 पे जाना है सबसे पहले, एंड 4-2 उस साइड। देखो पूरा खाना का लॉन्ज है यार, पूरा फूड लॉन्ज है ये पूरा। देखो एक बार देखो, क्या ना भाई इतना चूतिया काटते हैं ना ये लोग, मतलब बोले तो ये आपको टैक्सी वाले शिलोंग जाने के लिए गुवाहाटी से, तो क्या ही बताएं, साल मतलब दिमाग खराब हो गया था बिल्कुल भी, क्या ही बोले। टिकट का प्राइस पूछोगे ना, टिकट का प्राइस मात्र 400 रुपये लगा है भाई। पहले बस भी चलता था लगभग 8 बजे, लेकिन वो चलती नहीं है, अभी बोल रहे थे टैक्सी वाले लूट मचा रखे हैं भाई, 500 रुपया 550 रुपया मांग रहे हैं। उससे अच्छा है ये फ़्लाइट पकड़ के मैं जाऊँगा ना। देखो हमारी जो फ़्लाइट है 91777 शिलोंग के लिए और शेड्यूल हो गई है 9:30 में, अभी एंट्री होगा हमारा। देख रहे हो भाई अच्छे से, देख लो 30 मार्च को हम जा रहे हैं। देखो भाई एयर होस्टेज जा रही है अपना काम करने, गेट नंबर 3 से।
बोर्डिंग टाइम होते ही सारे पैसेंजर को रीचेक किया जाता है और एक एक करके सारे पैसेंजर को बस में बैठाया जाता है। बस भरने के बाद हमारी बस सीधे निकल जाती है फ्लाइट की तरफ। आधा रनवे हम अपने बस से ही कवर कर लेते हैं और लास्ट में हम अपने फ्लाइट की तरफ पहुंचते हैं, जहां पे हमारी फ्लाइट जो है लगी होती है। तो इधर तो हमारी फ्लाइट लगी है जो कि शिलोंग जाएगी। इधर प्राइवेट वाली लगी है, बहुत अच्छी लग रही है भाई, बहुत ज्यादा। पर ये देखिए मजा आ रहा है भाई। तो गाइस देखो, एक उड़ गया और एक नीचे प्राइवेट जेट, एंड यहाँ पे हमारी वाली है। आपातकालीन स्थिति में निकास पहलू का अवध से बचने के लिए कृपया अपना सारा केबिन सामान सीट पर ही छोड़ दें। प्रत्येक निकास पर लाल व सफेद रंग से स्पष्ट सीट बने हुए हैं। आपातकालीन स्थिति में केबिन से बाहर जाने के लिए पर्स के साथ साथ लाइट स्ट्रिप भी बना हुआ है। निकास के सबसे नजदीकी द्वार को पहचानने के लिए एक बार लूप कर देखें। आप अपने सुरक्षा बेल्ट को आसानी से बांध या खोल सकते हैं। इसे बांधने के लिए दोनों सिरों को सामने लाकर जोड़कर दबाइए। बेल्ट को खोलने के लिए बकल के ऊपरी भाग को उठाकर दोनों सिरे अलग करिए। आपसे अनुरोध है सीट पॉकेट में रखे गए सुरक्षा निर्देश कार्ड को ध्यान से पढ़ें। एलन सर के साथ हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ दिया भाई पैम्पलेट और यहाँ पे सब कुछ बताया, क्या यूज नहीं करना है, कैसे उड़ान भरेगी, कैसे क्या है, सारा डिटेल से आप पॉज करके पढ़ते रहना। बाकी पैसेंजर को कैसे बैठना है, ये ठीक है, गेट कैसे खुलेगी, ये सारा बताया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है बैठे हुए कुर्सी की पेटी बांध रखें और लाइफ जैकेट आपके सीट के नीचे। देखें भैया, और है भाई, हाँ भाई है, लाइफ जैकेट है। बाकी वेट कर रहे हैं, देखो मीटर थोड़ा सा गंदा है भाई। हमारी जो फ्लाइट है वो रनिंग करना स्टार्ट कर चुकी है, अब टेक ऑफ करेगी। अब देखो, अब रनवे पे आई है पूरा एकदम पिकअप।
सबसे अनुरोध है कि विमान के पूरी तरह से रुकने और अच्छा संकेत रहने तक अपने स्थान पर ही बैठे रहे, ऊपर लगे लॉकर्स को ना खोले। इस विमान निकास जो है सीमित संख्या में ही यात्री विमान से उतर सकते हैं, अतः सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी सीट पर ही बैठे रहे। उतरने के लिए कैबिन कर्मी के निर्देश का प्रतीक्षा करें। खड़ा होकर बता रहा है कि आओ हेने आओ हेने आओ आओ हेने आओ और ये तो नहीं हेने आओ समझ रहे ना। बाकी चारों ओर से बाहर रनवे छोटा है भाई, बहुत छोटा है। तो हो गया यात्रा सफल और चले अब। तो गाइस निकल चुके हैं और यहाँ पे आगमन होगा अब हमारा शिलोंग में। काफ़ी पीछे ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ एयरपोर्ट है, बहुत सही है, बहुत सही लुक है भाई यहाँ का, लुक जो है ना ज़बरदस्त। एग्जिट कर चुका हूँ एयरपोर्ट से, शिलोंग एयरपोर्ट, एंड बहुत मस्त है भाई व्यू देखो, ज़बरदस्त है। ये देखो पूरा चारों ओर पहाड़ियाँ, ये कैसा पेड़ है। अरे यार ये तो अच्छा, ये पेड़ नहीं, ये बनाया गया है दो पेड़ के बीच, सिंगल रूट्स वाला बनाया गया इसे। बाकी यहाँ पे शिलोंग एयरपोर्ट है, एक्सपीरियंस ठीक था, थोड़ा सा टर्बुलेंस था मौसम ख़राब के कारण। पहले ही उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे होगा भाई, डरना नहीं, मुझे डर लग रहा था वहाँ कहीं बता रहा हूँ। लेकिन परसों वापसी भी इसी से है तो जाएंगे। तो ये है भाई कि आप सफ़र कर सकते हैं आसानी से, 30 मिनट का ये जर्नी था और अभी देखो आराम से पहुंच गए हैं बिंदास एकदम मस्त एकदम, और आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप बेहिचक पूछिएगा और हम बेहिचक बताएंगे आपको कमेंट में, ठीक है।